जब ये आते थे चुनाव, पिछले चुनाव के प्रचार के लिए, तो आपको ये दिखाया जाता था जैसे सुपरमैन आ रहे हैं, सारी ताकत इनके पास है कि नहीं। पिक्चर देखी आपने, शक्तिमान वाला देखा, उसी तरह से आते हैं, सारी सत्ता इनके पास, अकेले अकेले ऐसे मंच पर सुपरमैन बनके मिले क्या आपको? महंगाई मैन मिल गए, हर चीज को महंगा कर दिया। अब जब आप उनको देखेंगे मंच पे, तो याद रखिए महंगाई मैन को देख रहे हैं आप, सुपरमैन नहीं है ये। और अगर इतनी ताकत होती इनमें जितनी ये लोग सारे कहते हैं, भाजपा के जो नेता हैं, कि मोदी जी में इतनी ताकत है, सारे दुनिया के जो प्रधानमंत्री हैं, जो दुनिया के जो राष्ट्रपति हैं, इनकी तरफ देखते हैं, ये तो चाहे तो चुटकी भर में जंग बंद करा सकते हैं, जो दुनिया में जंग चल रहे हैं, कहते हैं ना ऐसा, तो चुटकी भर में बेरोजगारी कम क्यों नहीं की? चुटकी भर में आपकी महंगाई कम क्यों नहीं की? चुटकी भर में आपके पास पानी क्यों नहीं लाए? कभी सोचा है आपने कि आपको बताया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है? आप जीवन क्या जी रहे हैं? देश का जो आम आदमी है वो जी क्या रहा है? उसके संघर्ष क्या है? इनको तो मालूम ही नहीं है, ये तो घिर गए हैं सत्ता से। इनके आसपास जो भी लोग हैं इनसे डरते हैं, इनको कुछ कहने से डरते हैं। राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएगी, माइनॉरिटी के पर्सनल। भाई और बहनों, सरकार तो आनी नहीं, मगर फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए। सरिया कानून से देश चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ की बात कर पिछले दरवाजे से देश में सरिया कानून लाने का बात करती, और ये दिक्की राजा इनसे भी दो कदम आगे। भगवा आतंकवाद, अरे शर्म करो दिक्की राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं, देखने के बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते, अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा, ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया है। जाकिर नाइक को ये गले लगाते हैं, अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया, इसकी फांसी का विरोध करते हैं, PFI पर बैन लगाने का विरोध करते हैं, और CA के समर्थक पर लाठी चलाना। भाई और बहनों, मुझे बताओ, PFI पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना? जोर से बोलो, लगाना चाहिए ना? ये बता देना बंटाधार को, हम राजगढ़ को फिर से बीमारू राजगढ़ नहीं बनाने देंगे, नहीं।